चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है आरोग्य हॉस्पिटल डाल चौराहा उदयपुर रोड सलूम्बर। चौहत्तरवे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सलूम्बर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार ने ध्वजारोहण किया। क्षेत्रीय विधायक अमृत लाल मीना, नगर पालिका अध्यक्ष प्रद्युमन कोडिया, प्रधान गंगा देवी मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला, पुलिस उपाधीक्षक सुधा पालावत, नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रहूफ खान बतौर अतिथि मौजूद रहे। उपखंड प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 106 प्रतिभाओं को उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक एवं देशभक्ति प्रस्तुतियां दी गई। नगर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की परेड ने तिरंगे को सलामी दी। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य नारायण लाल सेन ने स्वागत उद्बोधन प्रदान किया। समारोह में नगर पालिका के पार्षद, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक व स्कूली बच्चे शामिल थे। गणतंत्र दिवस की सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं चंद्रप्रकाश मेहता, बार अध्यक्ष सलूम्बर, आप सभी 2023 में जिन अधिवक्ताओं ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय। केयर डायग्नोस्टिक सेंटर एवं सोनोग्राफी सेंटर सलूम्बर की ओर से समस्त क्षेत्रवासी नगरवासी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर के सभी गणमान्य नागरिक, सभी पार्षद वैभव राष्ट्र के लिए तिरंगे को नमन करके राष्ट्र वंदन करते हैं। जन गण मंगल दायक जय रे।
मंच की ओर अग्रसर होते आदरणीय मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी महोदय सुरेंद्र जी पाटीदार साहब उपखंड अधिकारी महोदय इंसान से भाईचारा यही पैगाम हमारा कदम से कदम मिलते हुए अनुशासनबद्ध स्कूल बालक राज की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिका द्वारा उसके बाद लंकुश विद्यालय के बालक अपने लिए जिए तो क्या जिए कुर्बान ये जज्ब हिंदुस्तान के लिए सुंदर परिधान दिवस की ये सुहानी बहुत भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस गणतंत्र दिवस आगे है वन विभाग की झांकी वन विभाग की झांकी से प्रदर्शित करते हुए कि वन ही जीवन है झांकी में एक तरफ घना जंगल जिसमें वन्य जीव विचरण करते हुए दिखाया गया है तो दूसरी तरफ मानव द्वारा जंगल कटान व अतिक्रमण को दिखाया गया है झांकी में यह संदेश दिया गया है कि हम सभी एवं वन्य जीवों की रक्षा करेंगे तभी पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा नहीं तो कोरोना जैसी महामारी पूरी आती रहेगी मानव प्रजाति विनाश की ओर बढ़ती जाएगी अगली झांकी राज की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग की योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरण शिक्षा योजना को प्रदर्शित करती बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की झांकी पीएचईडी हर घर जल उत्सव आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर जल उत्सव वर्तमान विभाग की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा जा रहा है जिसमें सामुदायिक जन सहभागिता के माध्यम को किया जा रहा है कृषि विभाग की जैविक खेती के परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती करने पर अनुदान उसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग की झांकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लक्ष्य आम जन के लिए अपने वाहन को बाहर ले ले रहे ये सदा तो बढ़ता चल रुकना नहीं तो झुकना नहीं आगे सदा तो बढ़ता चल कदम से कदम मिलाता चल तूफानों से टकराता चल मुश्किलों से तो लड़ता चल वो सामने मंजिल को उस मंजिल की ओर तो बढ़ता चल
कदम से कदम मिलाता चल अनुशासित। हांडी रानी की इस वीर धरा पर बसंत पंचमी के उपलक्ष में भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में सलूम्बर के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस गौरव दिवस के अवसर पर मंचासी अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय एमएलए साहब, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय एडिशनल एसपी साहब, चेयरमैन साहब, प्रधान मैडम, वाइस चेयरमैन साहब, उप प्रधान साहब, समस्त पार्षदगण, समस्त पार्टियों के पदाधिकारीगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, सम्माननीय विशिष्ट अतिथिगण, डिप्टी मैडम, समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, सलूम्बर के विशिष्ट ग्रामीण महानुभाव, विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए शिक्षक साथीगण, छात्राओं, छात्र छात्राओं और आज इस अवसर पर पुरस्कृत होने वाले विशिष्ट प्रतिभागी, मीडिया के समस्त मेरे साथीगण और इस पंडाल में उपस्थित, इस प्रांगण में उपस्थित समस्त भारत के सम्मानित नागरिकगण, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद से लगाकर भारत को एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, गणराज्य के रूप में और लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। हम जानते हैं कि भारत की आज की जो उपलब्धि है और भारत आज विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान और बलिदान हमारे महापुरुषों का, स्वतंत्रता सेनानियों का और महान संविधान वेत्ताओं का रहा है, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश को दिया, जो विभिन्न देशों की और विभिन्न देशों के संविधानों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनका समावेश करके भारत को एक बहुत अच्छा संविधान के रूप में, जो कि भारत को, भारत देश को आगे चलाने के लिए नियम कायदों के रूप में हम स्थापित कर सके, हमारी मर्यादाओं, हमारे नियमों, उपनियमों, विधियों उनको लागू कर सके, इस रूप में हमारे उन संविधान वेत्ताओं ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, उन सब महापुरुषों ने जो इसमें अथक परिश्रम किया और अपनी सूझबूझ से देश को एक तोहफा दिया है, उसको हम आज संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश में हमारे सामने बहुत सारी विपदाएं हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, अलगाववाद, ये सब समस्याएं होते हुए भी भारत निश्चित रूप से आगे बढ़ने का बेहतर प्रयास कर रहा है और इसमें हम सब नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम हमारे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य के प्रति भी सावचेत होने चाहिए। इसके लिए हम सबका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इस अवसर पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिसमें अपनी चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो दुनिया में अपने आप में उदाहरण है। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, जिसमें आप सभी से ये अपील रहती है कि आप अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करें और चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। जैसा कि अभी निर्वाचन विभाग के द्वारा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सतत नाम जोड़ने का अभियान भी चल रहा है, जिसमें नवागंतुक मतदाताओं, छात्रों, छात्र और छात्राओं से मेरी अपील रहेगी कि जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वह अपने पास में स्थित बीएलओ या वोटर हेल्पलाइन से
आप अपना नाम ऑनलाइन भी जुड़वा सकते हैं और अधिक से अधिक जुड़कर मताधिकार का प्रयोग करें। समस्त नागरिकों से मेरी अपील रहेगी कि आप मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही हमारे इस क्षेत्र से इस बार हमारे राजस्थान राज्य को रोहट पाली में इस बार सौभाग्य मिला था नेशनल जम्बूरी का, उसमें हमारे यहाँ से भी लगभग 78 छात्राओं ने भाग लिया था, छात्र छात्राओं ने, उसमें उनके पीओ साहिबान स्काउट के प्रभारियों ने सब ने अच्छा प्रयास करके वहाँ पर इन बच्चों को लाभान्वित किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं जो चलती है जिसका लाभ हम जागरूक होकर नहीं उठाते हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब इसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जैसे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा फ्री है, जिसमें मेरी आप सबसे अपील है कि हमारे सलूंबर ब्लॉक में, सलूंबर उपखंड में लगभग 10,000 परिवार वंचित है, जो कि 850 रुपया सरकार की ओर से जमा होता है और 850 रुपया उस पात्र परिवार की ओर से जमा होना है। मात्र 850 रुपये में यदि हमें 10 लाख रुपये तक का इलाज फ्री, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हो, और 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा फ्री है, अतः मेरी आपसे अपील रहेगी कि आप सब लोग जो वंचित हैं वो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। यह योजना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं कल्याणकारी जिसका आप लाभ उठाएं और अपने अड़ोस पड़ोस या जो लोग जागरूक नहीं है उनको इस हेतु सूचित करें और उन्हें जागरूक भी करें। इस 74वें गणतंत्र दिवस पर मेरी आप सबसे यही अपील है कि हम जागरूक मतदाता और जागरूक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आप सभी ने इस कड़ाके की ठंड के बीच में इस समारोह को सुशोभित करने का जो प्रयास किया है, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज पूरा भारत जेमोतरवा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे सलूंबर के उप जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान पाटीदार साहब हमारे बीच में, सलूंबर के ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे यहाँ के डीवाईएसपी महोदय, सलूंबर नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सलूंबर पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान जी, हमारे सलूंबर नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष और पंचायत समिति के नेता प्रतिपक्ष, सभी पार्षदगण, सभी विभागों से पधारे हुए अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी शहर के बहुत जन सैलाब हमारे बीच में इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए उमड़ा है। सभी पत्रकार महोदय, भाइयों और बहनों, आज जिस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमें हर तरह के काम करने की इस संविधान के माध्यम से योगदान मिला, आज यह गणतंत्र दिवस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इनको बनने में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे। आज देश प्रगति पर है,
विश्व में नाम रोशन करने जा रहे हैं। देश की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की कल्याणकारी योजना, हम सभी को भरपूर लागू करने में सहयोग करना चाहिए। मैं इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक होने के नाते जो भी विषय मेरे ध्यान में लाया जाता है, विकास का कार्य हो, अन्य जितने भी हैं, वो मैं पूर्ण जोर से पार्टी से परे हट करके कार्य करने की कोशिश करता हूं। हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं, जब पता लगता है मैदान छोड़कर के भाग भी जा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। विकास का काम हर तरह से होना चाहिए। मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा, मेरे विधायक मत से 26 लाख रुपए हमारा जनरल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक का दिया, अभी तक शुरू नहीं किया। कई जगह विधायक मत से एम्बुलेंस थी, उसको भी कचरे में डाल रखी है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी हमारी जातियां निकली, विभाग को यह भी पता नहीं था कि जिसके ऊपर पोस्टर लग रहा है वह पूर्व चिकित्सा मंत्री का लगा हुआ है। वर्तमान में चिकित्सा मंत्री को दरकिनारे किया, यह ठीक नहीं है। हमें सत्र से जब उपखंड लेवल का उप जिला कलेक्टर महोदय का सबसे प्राचीन उपखंड है, उस प्रांगण में अगर जातियों का आयोजन होने जा रहा है और हमें पता ही नहीं, प्रभु जी शर्मा जी का लगा करके भेज रहे हो, जबकि अभी प्रसाद जी लाल जी मिला है। एक मंत्री की तो ही नहीं, एक चिकित्सा मंत्री की तय हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले कार्यकाल पिछले समय में लोगों ने कहा था हमारा कॉलेज का बहुत बड़ा डॉम बन जाए, मैंने उसको स्वीकृत किया है। कॉलेज से एक रोड तक सीसी रोड की भी मंजूरी लाया हो, मेरी इच्छा है अगर आप सबका हो यह प्रांगण जिस प्रकार का मिट्टी उड़ती है इसको भी इंटरलॉक लगा करके रेडी किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ पैसे की कमी नहीं है, थोड़ी हमारे दिमाग में फितूर की कमी है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, जो भी विषय हमारे ध्यान में लाया जाएगा उसको भरपूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टियों से परे हट करके काम करना चाहते हैं। कार्य बल चाहे आप कितना भी कर दोगे, जो किस्मत में लिखा वह होकर करेगा, यही मैं कहना चाहूंगा। हम उदयपुर से सलोम्बर वाया रतलाम रोड फोर लेन की रोड की मांग कर रहे, माई का पानी जैसमुन में डाले इस बात को कर रहे हैं, हमारे जैसमुन का पानी उदयपुर नहीं जाए इस बात को लेकर के अटी है। हमारे सारे जिस प्रकार के भारत सरकार और राज्य सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी कार्य है उसको जमीन पर ले जाने की जरूरत है। श्रीमान हमारे उप जिला कलेक्टर महोदय ने भी निवेदन किया, जनता को अपील की, प्रार्थना के नायक मतदाता का नाम जुड़ रहा है, अधिक से अधिक इस राष्ट्र पर्व के इसमें चुनाव में भाग ले, यह सारी अपील है, प्रार्थना है। अब इतना जन समूह आया है, विद्यालय के व्यवस्थापक से भी मेरी निवेदन है, जिस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है उसके बीच में जाते बिछारे वो ठीक नहीं है, थोड़ा अनुसार हिंदुता का ध्यान रखते हुए हमारे सभी महंगे मेहमान में क्षेत्र विधायक होने के नाते अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमारे थाने की स्थिति ठीक नहीं है, जर्जर हो रहा, बहुत पुराना थाना है। मेरी इच्छा है कि उस थाने को पूरा बजट देकर के व्यवस्थित ढंग से किया जाए, एडिशनल एसपी का कार्यालय बने, इस मांग को भी लेकर के हम अड़ी है। जब सारा क्षेत्र हमारा जो नदी जा रही है, नाला जा रहा है, सरनी नदी है, इसके चारों तरफ घाट बनाने की जरूरत है। मैंने सरकार से लिखा है कि सरकार शमशान घाट से लेकर के यहाँ छोटे छोटे हेलीकट हो जाए और घाट का निर्माण हो जाए, इस बात को लेकर के हमारे माइंड में विषय बना हुआ है। मैं पुनः क्षेत्र विधायक होने के नाते आप सभी को, जनता को, ये
राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है, 23 तारीख से राजस्थान विधानसभा चल रही है और इसमें जिस प्रकार के जो भी विषय आएंगे, चाहे वो संविदा कर्मियों की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात हो, जो भी होगा उसको रखने का प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलकर के काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अन्य विभागों में जो भी बात है उसको मैं बहुत ये भी चाहता हूँ कि हमारा उपखंड लेवल का या इस क्षेत्र का, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक बहुत बड़ा हम ये चाहते हैं कि हमारा डाक बंगला हो जाए, ताकि मस्ती से आने वाले जाने वाले, ये हाड़ा रानी की पवित्र भूमि है, ये महाराणा प्रताप की पवित्र भूमि है, ये मीराबाई की भूमि है। और सबसे बड़ा हमारे को सौभाग्य मिला कि जैसमंड जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, उस भूमि के हम रहने वाले, अग्नि स्नान करने वाले, हमारे इडाना माता जी के इस चरणों में हम सभी को पूना क्षेत्र विधायक होने के नाते सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी अधिकारी कर्मचारियों का, सभी बालक बालिकाओं का, विद्यालय परिसर के स्टाफ का, सबका, मैं इस कड़ी ठंड के में आप सभी पधारे और राष्ट्रीय पर्व को मनाए, धन्यवाद। जय जय भारत माता की। उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मंचासीन सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय उपखंड अधिकारी सुरेंद्र जी पाटीदार साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सलूंबर के विधायक श्रीमान अमृतलाल मीणा साहब, अति विशिष्ट अतिथि एडिशनल SP साहब, DYSP मैडम, प्रधान साहब, समस्त मेरे साथी पार्षदगण, सभी अधिकारीगण, वाइस चेयरमैन साहब, नगर मंडल अध्यक्ष, संस्था प्रधान, प्रेस के साथियों, गणमान्य नागरिकों और देश के भविष्य समस्त विद्यार्थियों को मेरी और पूरे नगरपालिका बोर्ड की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। यह गणतंत्र जो संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसका मसौदा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की अगुवाई वाली विद्वानों की समिति ने पूरे 2 साल 11 माह 18 दिनों में तैयार किया था। हमारे विशाल और गौरवशाली संविधान ने हमें आपसे भाईचारा के लिए प्रेरित किया, साथ ही कई हक और अधिकार दिए हैं। संविधान हमें हक के साथ हमारे कर्तव्यों की कसौटी पर खरा उतरने की प्रेरणा देता है। हमारा देश अधिकारों की आड़ में आते अनैतिक आंदोलन व अभियानों की अनचाही आंख से जूझ जाए, इसकी आज हमारे क्षेत्र में भी है। प्रेम सद्भाव की जगह नफरत विमर्श फैलाया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कर्तव्यों से विमुख होकर अपने राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए आम जन में आक्रोश, विरोध, विमर्श फैलाने का काम पूरी ताकत से कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों से सावधान रहकर अपने नैतिक कर्तव्य पर चलकर एक सच्चे भारतीय नागरिक बनने का संकल्प लेना चाहिए। सम्मानित नगरवासियों, हमारे राज्य के लोकप्रिय मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी और हमारे नेता पूर्व सांसद रघुवीर सिंह जी मीणा के सलूंबर के प्रति निस्वार्थ स्नेह और समर्पण ने बीते 4 वर्षों में हमें जो जिला स्तरीय सौगातें दिए वो किसी से छिपी नहीं है, मगर हमारी मांगे और विकास के प्रयास भी रुके नहीं है। पिछले महीने ही CM गहलोत साहब से बैठकर जिले के दर्जे की मांग दमदार तरीके से दोहराई है, जिसमें सकारात्मक परिणामों को लेकर हम आसान भी थे। आप सभी के आशीर्वाद से हमारा पालिका बोर्ड अगले महीने 2 वर्ष पूरे करने जा रहा है। सलूंबर नगर में विकास व सुविधाओं का पहिया प्रगति पथ पर अनवरत दौड़ रहा है। बहुप्रतीक्षित गौशालाओं में आधारभूत सुविधाओं का काम अंतिम चरण में और जल्दी इसमें नगर के घुमंतु गोवंश को शरण देकर इनकी सेवा शुरू की जाएगी। शीतला माता मंदिर तक सुरक्षित व सुविधाजनक पहुंचने के लिए एक सुंदर पुल निर्माण हेतु हाल ही प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। शरणी नदी, शहरी तालाब की सुंदरता, स्वच्छता को लेकर हम दृढ़ संकल्प के साथ योजना बनाकर काम कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य की दिशा में नगर पालिका ने फॉगिंग मशीन दिए, जो गली मोहल्लों तक पहुंचकर मच्छरों से निजात दिला रही है। वही स्वच्छता की दिशा में सेप्टिक टैंक सफाई मशीन की मह वाहन भी मिला है, जिसे न्यूनतम किराए पर देकर पूरा नगरीय क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। इस मौके पर मैं सभी से विनम्र अपील करता हूँ, स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभावे, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जरूर करावे, अपने मकानों के पट्टे बनवावे। आपसी प्रेम सद्भाव के साथ एकजुट होकर नफरत फैलाने वाले स्वार्थी लोगों को प्यार के पैगाम से मुंह तोड़ जवाब देवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी को वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
फिर से सुखद मकर हो जाए मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये दिव्यांश मांगता तुझसे युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। अब मेरी राष्ट्रभक्ति की कविता भक्ति बनती है इस प्रकार। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जन गण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है, जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों के खातिर सुरक्षित फुलवारी होती है। फिर प्रश्न खड़े होते जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आओ आओ करे प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में, क्यों है जिंदा सिर्फ तिजोरी पढ़ने की अभिलाषा में, क्यों अपनों के मन में औरों के खातिर भीड़ नहीं होती, एक शरीर की दुनिया में सबकी तस्वीर नहीं होती। अरे मौत के सौदागर और नीच अधम हत्यारे, सुन मरने के जो संग चले है ऐसी जागीर नहीं होती। अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाओगे, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाओगे, धरती माता के दामन में घेरे दाग लगाओगे, धरती माता के दामन में घेरे दाग लगाओगे, ये इतिहास गवाह कसम से रोएगा पछताएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। अंतिम पंक्ति समर्पित करता हूँ, सुप्त मानसिकता है आओ मिलकर उन्हें जगाए हम, देश प्रेम की अविल धारा को मिलकर अपनाए हम, खुराफात जिनके मन में वो तो मिथिला ठानते हैं, कई बार पछताए होंगे फिर भी नहीं मानते हैं, चोरी छुपे वार करने के बना रहे मनसूबे है, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानता है, गीदड़ को यदि मौत बड़ी है पांच शहर के आएगा, गीदड़ को यदि मौत बड़ी है पांच शहर के आएगा, देशद्रोहियों को दिव्यांश उपदेश नहर भिजवाएगा, कोएगा जो सूल बताओ फूल कहां से पाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। जय हिंद। 26 जनवरी और 15 अगस्त हर साल हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। आप भी अभी हमने एक कार्यक्रम देखा अनेकता में एकता, बड़ा ही मजा आया। और ये मजा कब आता है? जब अपन यहाँ पे रहते हैं। परिवहन विभाग की ओर से एक संदेश है, ये नाटक नहीं, मैं एक संदेश लेके आया हूं कि अभी हमने एक रैली निकाली, पूरे सलूम्बर में घूमे, मुश्किल से 10 या 15 व्यक्ति ऐसे मिले जिनके सिर के ऊपर हेलमेट लगा हुआ था। अपन अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, दारू पीते हैं, दारू पी के वाहन चलाते हैं, एक की जगह दो की जगह चार भी बिठा देते, ये भी हमने अभी देखा। ये सारे व्यक्ति हमको देख के मनोरंजन ले रहे थे। अपन देखते हैं कि अपने पास में एक मोबाइल होता है, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं अपन स्क्रीन गार्ड? क्यों लगाते हैं? खराब नहीं हो मोबाइल। लेकिन हेलमेट अपन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? अपने बाल खराब हो जाएंगे, हमारी पर्सनालिटी सही नहीं दिखेगी, हमारा चेहरा अच्छा दिखेगा, हम अच्छे सबके सामने अच्छे लगेंगे। अच्छे तभी लगोगे जब आप हेलमेट लगाओगे, शराब पी के वाहन नहीं चलाओगे। ये भाई जिसको हमने एक डेमो के रूप में मरा हुआ दिखाया है, किसी का किसी के घर में भाई हो, किसी का बेटा हो,
कोई भी हो, हेलमेट लगाए बगैर अगर वाहन चलाता है, किसी कारणवश दुर्घटना हुई, अगर हेलमेट नहीं लगाया है तो सर फूट सकता है, वो मर सकता है। अगर हेलमेट लगाया हुआ हो, अगर हाथ पे लगे हाथ ठीक हो सकता है, पैर पे लगे पैर भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये सर फूट गया तो वो ठीक नहीं होगा, वो मर जाएगा। इसके पीछे अपने माँ बाप, भाई बहन सभी वो जीते जी मर जाएंगे। आज से आप सब प्रण लीजिए कि हम सब हेलमेट लगाएंगे, अगर वाहन जो भी चलाते हैं, नहीं भी चलाते किसी को कहना है। और मेरा कहना यह है कि आज से कौन कौन हेलमेट लगाएगा अपना हाथ ऊंचा करें, बस इतना ही। ये बिल्कुल सही बात है, ये सही तरीके से हाथ खड़ा किया है, नियम का कोई पालन करता है नहीं। अगर अपन हेलमेट इसलिए रखते हैं कि अपना चालान नहीं बने, और फिर कहते हैं अगर कोई खाकी वर्दी वाले अगर थोड़ा रोब से बोलते हैं, वो अपने लिए बोलते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं ये तो पुलिस वाले खराब होते हैं। पुलिस वाले खराब नहीं होते, खराबी हमारे में है। अगर हम खराब नहीं होते तो उनको खराब कहते नहीं, ये अपनी सुरक्षा के लिए जी जान लगा देते हैं। जय हिंद। आप सब ध्यान रखना इस बात का, हेलमेट देखना। श्री नजीबुर रहमान वेट लिफ्टर, अपना पारितोषिक प्राप्त करें। ग्लोबल एकेडमी जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग में 49 किलो वर्ग भार में प्रथम प्रयास में ही उदयपुर जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया सुश्री प्रियंका पटेल ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुहानी जैन भारत योगदान शमशान घाट पर हुई, वो सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जोशी रक्तदान शिविर श्री देवेंद्र जी बाबू नायब तहसीलदार उपखंड कार्य श्री भगवान लाल जी मेघवाल नायब तहसीलदार जलारा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उत्कृष्ट एवं सराहनीय श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी बिरवा गहलोत सहायक कृषि अधिकारी 3 बीमा धारकों को जीवन ज्योति बीमा वरिष्ठ मंजिल कोर्ट में 500 रुपए अध्यक्ष पेंशन विभाग विजय शंकर जी द्वारा मैं भामाशाहों के सहयोग से उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम व भामाशाह रीना आहारी अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में मुख्य ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शारीरिक शिक्षक राजीव गांधी मनीष जोशी वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उत्कृष्ट कार्य के लिए 2023 में ऑनलाइन रिपोर्टिंग तथा स्टोर संचालन में कार्यालय सलूम्बर कार्यालय राजस्व कार्यो में श्री सोनी एल आर सी जय प्रकाश बैरवा तकनीकी सहायक टू एवीएनएल को सही समय पर फ्रांस व्यायाम राजस्व कार्यो जन स्वास्थ्य अभी कारापाल राजकीय कार्यो में लेखा से संबंधित राजस्व से सहायक लेखाधिकारी नगर में महत्वपूर्ण योगदान हेतु आहारी श्रीमती की सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य हेतु श्री पंचायत योगदान रिसोर्स अभियांत्रिकी विभाग समय पर जल डीईओ 2021 अंतर्गत पटना श्री महेश चंद्र कांस्टेबल नाना कार्य 574 सराहनीय कार्य के लिए पुलिस सेवा में सराहनीय कार्य के लिए योगेश मीणा महिपाल मीणा वेद श्री पंकज साल श्री
अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए योजना अंतर्गत रिकॉर्ड संधारण हेतु प्रधानमंत्री वर्षों से करने के लिए श्री सहायक कर्मचारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्यालय कार्य के प्रति बी एन कॉलेज सलूम्बर अतिथि महोदय से निवेदन है कि श्री राष्ट्र गीत के पश्चात आप चले जाओ सर। आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर पर सर्जरी, फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्रियों से संबंधित रोगों के इलाज की सुविधा के साथ जीवन रक्षक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे एवं ईसीजी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरोग्य हॉस्पिटल, उदयपुर रोड, दाल तिराहा, सलूम्बर। मोबाइल नंबर 9024059049 एवं 9414637172 पर।